वक्त बदल रहा है, सियासत बदल रही है, चेहरे भी बदल रहे हैं। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की ये दो तस्वीरें उसी बदलाव की तस्दीक करती हैं। पहली तस्वीर 2019 की है, जब सोनिया गांधी ने लगातार चौथी बार रायबरेली से नामांकन दाखिल करने के बाद रोड शो किया था। दूसरी तस्वीर ताजा है, सोनिया ने राज्यसभा के लिए राजस्थान से नामांकन किया है। साफ है सोनिया की सियासत अब फ्रंट फुट की जगह बैकडोर से होने वाली है। अहम मुद्दा यह है कि रायबरेली में कांग्रेस की विरासत का क्या होगा। 1951 के बाद सिर्फ 3 बार कांग्रेस इस सीट से हारी है। लगातार 4 बार से सोनिया गांधी सीट की नुमाइंदगी करती रही हैं। बड़ा सवाल है कि क्या रायबरेली से प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा जाएगा। राजस्थान से नामांकन दाखिल करने के बाद सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम एक पत्र लिखा है। इस पत्र के आखिर में उन्होंने लिखा है, अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। लेटर के जरिए सोनिया गांधी फिर फैमिली के सदस्य को मैदान में उतारने का संकेत दे रही है। जिन परिवार के सदस्यों ने, गांधी परिवार के सदस्यों ने रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया, उनका जो योगदान इस देश की रचना में है, वो रायबरेली के लोग नहीं भूल सकते, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से इस परिवार के लोग उस काबिल बने कि इस देश की इतनी सेवा अपने खून से कर पाए, ना केवल अपने पसीने से। लेकिन गांधी फैमिली का यह गढ़ क्या पहले जैसा महफूज है? क्या रायबरेली में कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक बरकरार है? क्या 2024 कांग्रेस का रायबरेली किला ढह जाएगा? 2019 में कांग्रेस का अमेठी का किला ढह गया था, राहुल गांधी को अमेठी में हार मिली थी। क्या 2024 में रायबरेली में ऐसा हो सकता है? इस अहम सियासी सवाल का जवाब समझने के लिए पिछले 2 चुनाव के आंकड़ों पर गौर करते हैं। 2014 में कांग्रेस को 63.8% वोट मिले थे, वहीं बीजेपी को 21.1% वोट मिले। 2019 में कांग्रेस को 55.8% वोट मिले, वहीं बीजेपी को 38.7% वोट मिले। यानी 5 साल में कांग्रेस के 8% वोट कम हुए, वहीं बीजेपी के वोट प्रतिशत में 17.6% का इजाफा हुआ। ये आंकड़े बीजेपी को उत्साहित करती हैं और यही वजह है कि बीजेपी इस बार रायबरेली में उलटफेर का दावा कर रही है, सोनिया गांधी के लेटर पर सवाल उठा रही है। जो जनता की सेवा नहीं कर सकते हैं वो भावुकता के आधार पर वोट लेना चाहते हैं, वो कितने भावुक अपील कर लें, रायबरेली कमल खिलाएगी और कमल खिलके रायबरेली से जाएगा। वैसे यूपी की सियासत की बात करें तो विधानसभा चुनाव के स्तर पर कांग्रेस के विधानसभा चुनाव में भी हालत बहुत खस्ता है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 विधानसभा सीटों पर हार मिली। 5 सीटों में 4 सीटों पर कांग्रेस तीसरे पायदान पर रही, वहीं 1 सीट पर 4th स्थान पर रही। वैसे रायबरेली की जनता कांग्रेस पार्टी की जगह गांधी परिवार पर भरोसा जताती रही है। ये परंपरा सालों से चली आ रही है। क्या 2024 में यह परंपरा टूट सकती है? क्या अमेठी की तरह रायबरेली भी गांधी परिवार के हाथ से निकल सकता है? टीम न्यूज़ नेशन।